हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फेलुदा कोविड-19 टेस्ट के बारे में। तो ये जो टेस्ट है फेलुदा कोविड-19, ये रिसेंटली जो है अप्रूव किया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस फेलुदा कोविड-19 टेस्ट के बारे में, कुछ इसके की फैक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये जो टेस्ट है वो कैसे काम करता है। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए बात करते हैं फेलुदा कोविड-19 टेस्ट के बारे में। तो अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें तो ये जो फेलुदा कोविड-19 टेस्ट है, इट इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी। तो इट इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी भी है, अभी तो नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ है 2 लेडीज को। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया था, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो जीन एडिट किए थे। ठीक है, तो ये जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स इन एडिटिंग द जीन। ठीक है, तो जीन एडिटिंग के लिए हम लोग जो है क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते हैं। आप इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है ये फेलुदा कोविड-19 टेस्ट जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। ठीक है, अब जो कोविड-19 जो भी डिजीज है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो फेलुदा टेस्ट जो है ये डेवलप किया गया है, और ये डेवलप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। अब ये डेवलप किसने किया है, तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR IGIB। तो जैसा कि आपको पता होगा CSIR का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, तो CSIR IGIB इन कोलैबोरेशन विद टाटा ग्रुप। ठीक है, तो किसके साथ मिलके, टाटा ग्रुप के साथ मिलके जो है इस टेस्ट को जो है डेवलप किया गया है। तो ये टोटली टेस्ट है फेलुदा कोविड-19 टेस्ट, ये जो है इट इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR IGIB इन कोलैबोरेशन विद टाटा ग्रुप। ठीक है, अब इस टेस्ट को जो है वो अप्रूव किया गया है DCGI ने। ठीक है, तो दिस टेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड बाय DCGI। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको पता है कि ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोई भी ड्रग अगर आता है या कोई भी टेस्ट आता है किसी भी चीज के लिए, तो उसे जो है वो अप्रूव किया जाता है DCGI। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, अगर कोई नया ड्रग आता है या कोई भी नया टेस्ट आता है किसी भी डिजीज के लिए, तो उसे DCGI जो है वो अप्रूव करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है फेलुदा टेस्ट जो है, ठीक है, ये 96% इसकी सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी एंड 98% स्पेसिफिसिटी, 98% स्पेसिफिसिटी। तो ये टू टर्म्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग द नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जो भी ये कोविड-19 का जो टेस्ट है वो जो है मोस्टली अगर हम RT-PCR से करते हैं तो वो एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेथड है। लेकिन जो ये टेस्ट है फेलुदा टेस्ट, ये भी क्या करता है, ये 96% सेंसिटिविटी देता है और 98% स्पेसिफिसिटी देता है। तो अगर हम ये टेस्ट यूज करेंगे फेलुदा टेस्ट, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी RT-PCR टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट जो है इट विल लाइक चीपर भी है और इसका लो कॉस्ट भी है, और इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो भी इक्वल है RT-PCR टेस्ट के लिए। तो ये भी एक टाइप का स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है। तो अगर हम ये टेस्ट भी करते हैं तब भी इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो RT-PCR टेस्ट के इक्वल है। और इससे क्या होगा कि जैसे कि RT-PCR टेस्ट होता है उसके लिए मिनिमम 1.5 आवर लगता है टेस्ट को करने में रिजल्ट आने के लिए, लेकिन अगर हम फेलुदा टेस्ट करेंगे तो ये मीन लाइक मैक्सिमम 45 मिनट ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम भी बच रहा है और साथ ही साथ जो सेंसिटिविटी है वो और स्पेसिफिसिटी है वो भी जो है इक्वल है। ठीक है, RT-PCR टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ जो इसकी जो पे है, या अगर आप इसका टेस्ट कराते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी लाइक डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस रहेगा वो रहेगा सिर्फ 500 रुपीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है इट इज अराउंड
₹500। ठीक है, वही अगर आप जो है RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो वहां पे आपको मिनिमम 2000-3000 जो है या 3500 जो है वो मनी उतना स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ₹500 जो है वो यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या है, इट कैन डिलीवर आ रिजल्ट इन 45 मिनट। ठीक है, तो ये जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए ही आप में को आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। आपको कोई भी 1.5 आवर या 2 आवर तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, या नेक्स्ट डे का जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 45 मिनट्स में ही जो है आपको आपका रिजल्ट जो है यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ इट कुड बी अ चीपर फास्टर एंड सिंपलर अल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया, सिंपलर अल्टरनेटिव टू एन RT-PCR टेक्निक। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज विल बी अ चीपर फास्टर एंड सिंपलर अल्टरनेटिव इफ वी कंपेयर इट विद टू द RT-PCR टेक्निक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, इस सबसे आपको क्या समझ में आता है, ठीक है, आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, कोई भी टेस्ट अगर कोई भी डेवलप होता है तो उसकी जो है टू इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन्हें देख के ही टेस्ट को डेवलप किया जाता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो आता है आपका सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब सेंसिटिविटी से क्या मतलब है, तो अगर सेंसिटिविटी में क्या है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद द डिजीज। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट अगर डेवलप किया जाता है तो उसके पहले उसमें उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो टू फैक्टर हैं उसे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद द डिजीज। मतलब अगर आप देखिए 10 लोग आपके सामने हैं या 10 लोग जो इन्फेक्टेड हैं, तो अगर 10 में से अगर 8 लोग का वो करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इंडिवर इज हैज बीन इन्फेक्टेड विद द डिजीज, तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अगर सपोज आउट ऑफ 100 पीपुल इट इज आइडेंटिफाई 98 पीपुल्स इन्फेक्टेड, टू द सेंसिटिविटी विल बी 98%। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, कोई भी चीज जो है वो 100% सेंसिटिव नहीं होती। आप कोई भी जो है टेस्ट अगर आप लॉन्च करें या डेवलप करें तो उसमें जो उसकी सेंसिटिविटी है या स्पेसिफिसिटी है वो 100% नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या, अगर आप 100 पीपुल ले रहे हैं और 100 में 100 इन्फेक्टेड पीपुल ले रहे हैं और 100 इन्फेक्टेड पीपुल में अगर ये 96 जो पीपुल का जो टेस्ट है वो करेक्ट बता रहा है, तो इसकी मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी हो गई वो 96% हो गई है। ठीक है, अब दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म है आपकी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। अब ये स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द एसे टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द एसे टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई डोज विदाउट द डिजीज। इसमें क्या है, अगर सपोज वही 100 पीपुल हैं, ठीक, अब 100 पीपुल में अगर सपोज जो है कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, अब अगर आपने ये टेस्ट किया है तो अगर आउट ऑफ 100 जो है आपका 98 लोग जो है वो जो है नॉन इन्फेक्टेड दिखा रहे हैं, यानी उनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है, कोई भी कोविड रिलेटेड डिजीज नहीं है। ठीक है,
और रिमेनिंग टू में जो है वो दिखा रहा है कि दे आर कोरोना पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 98%, मतलब आउट ऑफ 100 पीपल 98 पीपल आर नॉन इन्फेक्टेड। ठीक है, तो जब भी कोई भी टेस्ट जो है वो लॉन्च होता है, या कोई भी टेस्ट अगर कोई भी लॉन्च करता है कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कितना सेंसिटिव टेस्ट है, वो कितना और कितना लाइक स्पेसिफिक टेस्ट है। तो इन दो टर्म्स की बेस पर ही किसी टेस्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में। अगर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी आती है या स्पेसिफिसिटी अच्छी आती है, तभी जो है इस टेस्ट को अप्रूव किया जाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे जो कि फेलुदा कोविड-19 टेस्ट से रिलेटेड थे, वो हमने जो है यहाँ पे देखे। अब हम इसके कुछ और पॉइंट चलिए देख लेते हैं कि और क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसके हम कुछ और पॉइंट चेक कर लेते हैं कि और क्या जो है इस टेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर मोर एक्यूरेट। तो ये टेस्ट क्या, इट इज मोर एक्यूरेट देन अ रैपिड एंटीजन टेस्ट। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी तक जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो किया जा रहा है और उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम है, लाइक 60-70% सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर कोई जो है पर्सन है वो कोरोना पॉजिटिव भी है, तब भी उसमें जो है वो कोरोना निगेटिव ही शो करता है। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ही कम है। तो फिर जो फेलुदा टेस्ट है इट इज मोर एक्यूरेट देन अ रैपिड सेंसिटिव टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये जो टेस्ट है ये कलर डिटेक्शन या कलर चेंज की बेस पे काम करता है। जैसा कि हमें पता है इट इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये फेलुदा फेलुदा कोविड-19 टेस्ट जो है वर्क्स बाई चेंजिंग चेंजिंग कलर ऑन द डिटेक्शन ऑफ द सार्स सीओवी-2 वायरस। ठीक है, अब जो फेलुदा कोविड-19 टेस्ट है ये भी क्या एक टाइप का समझ लीजिए एलाइजाई टेस्ट ही है। ठीक है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट में था कि कलर चेंज हो जाता है स्ट्रिप का, ऐसे ही क्या है जो फेलुदा कोविड-19 टेस्ट है ये भी क्या करता है, इट वर्क्स बाय चेंजिंग कलर ऑन द डिटेक्शन ऑफ सार्स-कोविड-19 सार्स-कोविड-2 वायरस। ठीक है, जैसे ही अगर आपके अंदर आप इन्फेक्टेड हैं, तो जैसे ही आपका सैंपल लेके अगर इस स्ट्रिप पे डाला जाएगा तो क्या होगा, उसका जो कलर है अगर वो चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब आप जो है कोरोना पॉजिटिव है। अगर कलर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर कोरोना निगेटिव। तो ये जो काम है ये जो फेलुदा कोविड-19 टेस्ट है इट वर्क्स बाय चेंजिंग कलर ऑन द डिटेक्शन ऑफ सार्स-कोविड-2 वायरस। ठीक है, अब इसकी एक और स्पेशल पॉइंट है कि इट इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सार्स-कोविड-2 फ्रॉम अदर करोना वायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेस्ट का, इवन इफ जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन देम आर माइन्यूट। ठीक है, अब देखिए जैसे कोरोना फैमिली में बहुत से वायरस हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फेलुदा कोविड-19 टेस्ट जो है ये डेवलप किया गया है और ये इतना एक्यूरेट है कि इट इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सार्स कोविड फ्रॉम अदर कोरोना वायरस। ठीक है,
फ्रॉम अदर कोरोना वायरस। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, लेकिन ये जो टेस्ट है फेलुडा कोविड 19 टेस्ट, ये एक्यूरेटली जो है डिफ्रेंशिएट करेगा जो सार्स कोविड 2 है फ्रॉम अदर कोरोना वायरस। तो ये देखिए इतना जो है एक्यूरेट है, और ये इवन अ स्मॉल जेनेटिक वेरिएशन इट कैन डिटेक्ट, ठीक है, इवन जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन दीज कोरोना वायरस आर वेरी वेरी माइन्यूट, देन ऑल्सो इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सार्स कोविड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो है ये इसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, ठीक है। अब हम जानते हैं ये क्रिस्पर कैश टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है क्रिस्पर कैश टेक्नोलॉजी, तो क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, आप लोग को पता है किस पर कैश किया, इट इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड इज यूज्ड इन करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो क्रिस्पर कैस क्या है, ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग कोई भी जीन, जो जिस भी जीन को अगर हम एडिट करना चाहें तो वो एडिट कर सकते हैं। तो ये जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर जीन एडिटिंग, एंड बाय यूजिंग दिस क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी वी कैन करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट एंड ऑल्सो वी कैन ट्रीट एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी, आपको मान ली कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, अब आने वाली जनरेशन में क्या होता है कि अगर आप वो जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो चाहते हैं कि आपका न्यूबॉर्न बेबी में ना आए, तो आप क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी की वजह से, की हेल्प से जो है उस पार्टिकुलर जीन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वो जीन को आप एडिट कर देंगे तो आने वाली जनरेशन में क्या होगा, वो जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसे आप जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का है मोस्टली जो यूज हो रहा है वो मेडिकल फील्ड में हो रहा है फॉर ट्रीटिंग एज वेल एज प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी कैन डिटेक्ट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विद इन अ जीन एंड यूजेस एन एंजाइम फंक्शनिंग एज मॉलिक्यूलर सीजर्स टू स्निपेट, ठीक है। तो ये जो क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी है, ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट कर ले सकता है किसी भी डीएनए में, ठीक है, या जीन के अंदर कोई भी सीक्वेंस हो डीएनए का, उसे जो है ये क्रिस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकती है, एंड इट कैन यूज एंजाइम फंक्शनिंग एज अ मॉलिक्यूलर सीजर टू स्निपेट, ठीक है। और वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर टू स्निपेट। तो अगर किसी भी सीक्वेंस को अगर आपको स्निप करना है तो ये क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी इट वर्क्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर एंड इट कैन स्निप द पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए विद इन अ जीन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फेलुदा टेस्ट की। तो ये जो फेलुदा टेस्ट है, फेलुदा टेस्ट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, even low quantities of the genetic material of the novel corona
वायरस बेस्ड ऑन वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस इन देयर आरएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बात की है फेलुदा टेस्ट की। तो ये जो फेलुदा टेस्ट है इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट इवन अ वेरी लो क्वांटिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। अब जो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी फेलुदा टेस्ट क्या करता है, इट हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट इवन अ लो क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेम चीज जो आरटीपीसीआर करता है टेस्ट, वो क्या करता है आरटीपीसीआर टेस्ट, अगर उसमें बहुत ही लो क्वांटिटी में अगर आपका वायरल डीएनए वायरल आरएनए है तब जाके वो उसे डिटेक्ट करता है और उसकी बेस पे फ्लोरेसेंस देता है। ठीक है, उसे उस पार्टिकुलर जो लाइक पार्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कंटिन्यू एम्पलीफाई करता रहता है और उसका जो फ्लोरेसेंस देता है, यानी कि एक कॉपी से मल्टीपल कॉपीज बनाता रहता है। सेम चीज फेलुदा टेस्ट करता है, फेलुदा टेस्ट करता है क्या करता है, अगर किसी भी वायरस का, अगर हम बात करें कोरोना वायरस का, तो ये सार्स कोविड टू वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल अगर बहुत ही लो क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है सैंपल में, तब भी जो है फेलुदा टेस्ट क्या करेगा, उसे डिटेक्ट कर लेगा इवन इफ यू प्रेजेंट इन अ वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए इसकी जो सेंसिटिविटी और जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ही अच्छी है, एक्यूरेट है। ठीक है, हम बात कर लेते कुछ और पॉइंट्स की इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसके हम कुछ और बात कर लेते हैं। सो ये जो टेस्ट है, ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इंडिया में डेवलप किया गया है अभी, और इसके साथ ही साथ ये जो टेस्ट है कुछ और कंट्री में भी जो है वो डेवलप किया गया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो इंडिया में जो है ये फेलुदा टेस्ट इस यूजेस कैस 9 प्रोटीन। अब वही बात करेंगे हम अदर कंट्री की, तो while in other country they use Cas12 and Cas13 protein। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ऑलरेडी जो है अदर कंट्री में जो है ये पहले ही आ गया था, मई जून में ही आ गया था, लेकिन इंडिया में जो ये टेस्ट है फेलुदा टेस्ट है वो अब जाके अब लॉन्च हुआ है अक्टूबर में। तो इंडिया में जो लाइक फेलुदा टेस्ट है इट इज बेस्ड ऑन Cas9 protein। ठीक है, तो ये Cas9 protein पे काम करता है, Cas9 protein को यूज करके जो है फेलुदा टेस्ट को डेवलप किया गया है। वहीं अगर बात की अदर कंट्री की, तो वहां पे जो है Cas12 protein और Cas13 जो प्रोटीन है उसको यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे मेंशन किया है कि इसका जो टाइम है वो 45 मिनट्स है, तो आपको आपका सैंपल देना है और सैंपल देने के बाद आप जो है वो 45 मिनट्स में आपका जो है अपना रिजल्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही यार अगर हम आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें, आरटीपीसीआर टेस्ट, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1.5 आवर लगता है फॉर द टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.5 आवर लगता है। वहीं अगर बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की, तो अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें
तो यहाँ पे जो है वो आपको 30 मिनट्स का टाइम लगता है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए जो फेलुदा टेस्ट है ये जो है 45 मिनट्स लेता है, वहीं अगर हम बात करें आरटीपीसीआर टेस्ट की तो मिनिमम ये 1.5 आवर लेता है, और वहीं अगर बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की तो ये आपको 30 मिनट्स में आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। लेकिन ये जो फेलुदा टेस्ट है, ठीक है, फेलुदा टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, इनकी स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ऑलवेज ऑलमेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो फेलुदा टेस्ट है ये इनएक्सपेंसिव है और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। आरटीपीसीआर टेस्ट इन लाइक एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है, लेकिन जो फेलुदा टेस्ट है ये इनएक्सपेंसिव है और 45 मिनट्स में ही हो जाता है। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि जो फेलुदा टेस्ट है, फेलुदा टेस्ट तो ये फेलुदा टेस्ट क्या है, डिटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, लेकिन इस केस में हम लोग कोरोना वायरस के लिए डेवलप किया है तो ये आरएनए को डिटेक्ट करता है इन केस ऑफ कोविड 19, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें वाइल रैपिड एंटीजन टेस्ट डिटेक्ट्स द वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी देखने को मिला कि जो फेलुदा टेस्ट है ये क्या करता है, इट डायरेक्टली डिटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें कोविड-19 की तो कोविड-19 में जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, तो फेलुदा टेस्ट क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए इन केस ऑफ कोविड-19। वाइल अगर हम बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की तो ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसमें जो है लाइक ये डिटेक्ट करता है वायरल प्रोटीन्स का, ठीक है, इसीलिए लेस एक्यूरेट है एज कंपेयर टू फेलुदा टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट। क्योंकि देखिए फेलुदा टेस्ट में भी जो है डायरेक्टली आरएनए को लाइक डिटेक्ट करता है, वहीं अगर बात करें आरटीपीसीआर टेस्ट की तो आरटीपीसीआर टेस्ट में भी क्या होता है, डायरेक्टली जो है आरटीपीसीआर टेस्ट में भी डायरेक्टली जो है न्यूक्लिक एसिड को ही डिटेक्ट करता है आरटीपीसीआर टेस्ट की न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए है इन केस ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया फेलुदा कोविड-19 टेस्ट के बारे में और ये टेस्ट कैसे काम करता है और ये किसने अप्रूव किया और किसने डेवलप किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और भी लाइक इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।